हेलो, पिछली वीडियो में हमने एनिमेशन टैब के बारे में जाना। आज हम इस वीडियो में स्लाइड शो टैब के बारे में जानेंगे, जिसमें कि हम पहला ग्रुप स्टार्ट स्लाइड शो, जिसमें कि फ्रॉम बिगनिंग कमांड, फ्रॉम करंट स्लाइड कमांड, प्रेजेंट ऑनलाइन कमांड, कस्टम स्लाइड शो कमांड के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से प्रेजेंटेशन ओपन करेंगे। ये देखो, यहाँ से हमने कोई प्रेजेंटेशन ओपन की, ये इसमें हमारी 5 स्लाइड्स हैं। स्लाइड शो में जाएंगे, यहाँ पे स्लाइड शो पे क्लिक किया। इसके बाद यहाँ पे स्टार्ट स्लाइड शो ग्रुप यहाँ पे ओपन हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास इसमें कमांडे हैं फ्रॉम बिगनिंग। फ्रॉम बिगनिंग का मतलब ये होता है कि जब भी हम स्लाइड शो करें तो ये स्लाइड शो में हमारी स्लाइडें जो हैं स्टार्टिंग से चलें, जैसे ये फर्स्ट है, सेकंड, थर्ड, इस प्रकार ये सभी स्लाइडें आए। तो फ्रॉम बिगनिंग यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये देखो, पहली स्लाइड, ये दूसरी स्लाइड, ये तीसरी, ये चौथी, ये पांचवी स्लाइड। तो इस प्रकार ये सभी स्लाइड यहाँ पे चलेंगी। अगली कमांड है फ्रॉम करंट स्लाइड। फ्रॉम करंट स्लाइड का मतलब ये होता है, सपोज करो हम यहाँ पे तीसरी स्लाइड के ऊपर है, तीसरी स्लाइड के ऊपर, तो जब हम स्लाइड शो करेंगे तो स्लाइड शो जो है हमारा तीसरी स्लाइड से चलेगा, चौथी स्लाइड चलेगी, उसके बाद पांचवी स्लाइड चलेगी। ये देखो, फ्रॉम करंट स्लाइड, ये करंट स्लाइड तीसरी है, इसके बाद ये चौथी स्लाइड आ गई, उसके बाद ये पांचवी स्लाइड आ गई। तो हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड स्लाइड नहीं चली, ये जो है करंट स्लाइड से यहाँ पे स्लाइड शो हुआ। तो इस प्रकार हम यहाँ पे फ्रॉम करंट स्लाइड से भी स्लाइड शो कर सकते हैं। इसके बाद है, अगला है प्रेजेंट ऑनलाइन। अगर हम इन स्लाइडों को ऑनलाइन प्रेजेंट करना चाहते हैं तो हम ये काम भी कर सकते हैं। इसके बाद अगली कमांड है कस्टम स्लाइड शो। कस्टम स्लाइड शो का मतलब ये होता है, कभी कभी हमें कुछ सिलेक्टेड स्लाइडों का ही स्लाइड शो चाहिए होता है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, कस्टम स्लाइड शो यहाँ से क्रिएट करना पड़ता है। तो सपोज करो हमें ये फर्स्ट स्लाइड ये चाहिए, थर्ड स्लाइड ये चाहिए, और ये हमारी फिफ्थ स्लाइड ये चाहिए। तो हम ये क्या करेंगे, यहाँ से कस्टम स्लाइड शो ये क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कस्टम शो, कस्टम शो पे क्लिक किया। कस्टम शो पे क्लिक करने के बाद हमारे पास कस्टम शो डायलॉग बॉक्स यहाँ पे आ जाएगा। इसमें हम क्या करेंगे, न्यू पे क्लिक करेंगे। न्यू पे क्लिक करने के बाद ये देखो, जितनी भी हमारी यहाँ पे स्लाइडें हैं, हमारे पास यहाँ पे 5 स्लाइड्स हैं, तो ये सभी स्लाइड्स यहाँ पे आ जाएंगी। तो जो स्लाइड, जिन स्लाइड का हम कस्टम शो बनाना चाहते हैं, वो स्लाइड यहाँ से हम चेक करेंगे। ये देखो, फर्स्ट स्लाइड ये चाहिए हमें, इसके बाद थर्ड ये चाहिए, इसके बाद फिफ्थ ये चाहिए। हमें 3 स्लाइडें यहाँ पे चाहिए, इन स्लाइडों का हमने कस्टम शो करना है। तो हम क्या करेंगे, ये 3 स्लाइडें लेके इसको यहाँ पे ऐड पे क्लिक करेंगे, तो ये यहाँ पे आगे स्लाइड इन कस्टम शो यहाँ पे आ जाएंगी। ये देखो, 3 स्लाइडें यहाँ पे आ गई। आने के बाद यहाँ पे हम ये इसका नेम NM, ये नेम यहाँ पे हमने रखा। रखने के बाद हम क्या करेंगे, ये 3 स्लाइडें हैं, अगर हम चाहते हैं कि ये तीसरे नंबर वाली स्लाइड, ये जो स्लाइड नंबर फिफ्थ, ये हमें फर्स्ट यहाँ पे चाहिए, पहले नंबर पे चाहिए, तो हम क्या करेंगे, अप पे क्लिक करेंगे तो ये ऊपर चली जाएगी। ये देखो अप, ये देखो, ये पहले नंबर पे ये स्लाइड फिफ्थ आ गई। अगर नीचे चाहिए, नीचे करनी है, तो हम डाउन पे क्लिक करेंगे, ये देखो डाउन आ रही है, तो यहाँ से हमने इसको डाउन कर दिया, तो ये स्लाइड फिफ्थ जो है ये तीसरे नंबर पे आ गई। अगर ये स्लाइड फिफ्थ हमने रिमूव करनी है तो हम यहाँ पे रिमूव पे क्लिक करेंगे, तो रिमूव पे क्लिक करने के बाद ये स्लाइड यहाँ से रिमूव हो जाएगी। तो ये हमने यहाँ पे, सपोज करो हमने इसको रिमूव नहीं करना है, ये 3 स्लाइडों का हमने कस्टम शो यहाँ पे बनाया। इसके बाद क्या करेंगे, हम ओके पे क्लिक करेंगे। ओके पे क्लिक करने के बाद ये देखो NM नाम का ये कस्टम शो यहाँ पे बन के आ गया। इसके बाद क्या करेंगे, हम इसको शो करेंगे, तो शो करने के बाद ये
तीन स्लाइडें हमारे पास आ जाएंगी। ये देखो शो करवाया, तो ये हमारी फर्स्ट स्लाइड, ये थर्ड और ये फिफ्थ स्लाइड। ये देखो इसके बाद कोई भी स्लाइड नहीं है। तो ये तीन स्लाइडों का कस्टम शो यहाँ पे बन गया। तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, कस्टम स्लाइड शो यहाँ पे बना सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने स्लाइड शो टैब के स्टार्ट स्लाइड शो ग्रुप के बारे में जाना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। धन्यवाद।